क्या मुकेश सैनी का मन डोल रहा है? जीतन राम मांझी के बाद मुकेश सैनी ने भी मन बदल लिया है और वो भाजपा के साथ एनडीए के साथ खोले जंगल के शेर के तरह मुकेश सैनी सब हलचल होता हुआ देख रहे हैं। बिहार में राजनीति का टेम्परेचर बहुत हाई है, बिहार का टेम्परेचर बहुत हाई है, मगर बिहार का एक नेता शांत है, चुपचाप देख रहा है। वो होता ना जंगल के शेर के तरह, वो जंगल में हो रही हलचल को देख रहा है मगर अभी तक कोई दहाड़ नहीं लगाया है उसने। उसका नाम मुकेश सैनी है। जी हाँ, मुकेश सैनी जिनके पास 6-8% का वोट बैंक, वो अभी भी चुप क्यों है? क्यों विपक्ष की जो बैठक हुई उसके बाद कोई कटाक्ष नहीं आया, ना कुछ समर्थन में बोला, जबकि भाजपा इतना कटाक्ष कर रही है, फिर भी मुकेश सैनी क्यों चुप है? सारी कहानी हम बताएंगे। क्या मुकेश सैनी का मन डोल रहा है? क्या महागठबंधन के साथ जा सकते हैं? आप द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मेरा नाम हमजा है और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पेज पे फॉलो कर ले। अब आते हैं उस बात पे, विपक्ष की बैठक हुई, उस बैठक में 15 से ज्यादा पार्टी के नेता आए और वहां पर बातचीत हुई, सब कुछ हुआ। भाजपा फ्रंट फुट पे आकर रगड़ने की कोशिश की मगर कहा जा रहा था कि जीतन राम मांझी के बाद मुकेश सैनी ने भी मन बदल लिया है और वो भाजपा के साथ एनडीए के साथ हो लेंगे, मगर ऐसा होता नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कभी कभी मौन हो जाना भी किसी चीज का समर्थन है। नीतीश कुमार या विपक्ष की बैठक के बाद एक भी कटाक्ष, एक भी बात मुकेश सैनी का सामने नहीं आया। भाजपा जितना कटाक्ष कर रही है, एक भी कटाक्ष नहीं किया, जबकि चिराग पासवान का कटाक्ष आ गया, मगर मुकेश सैनी चुप है, मुकेश सैनी शांत है। मैंने कहा कि जंगल के शेर के तरह मुकेश सैनी सब हलचल होता हुआ देख रहे हैं। मुकेश सैनी वही नेता जिसने भाजपा को 2020 में घुटने पे लाया, 2021 में बोचा चुनाव में घुटने पे लाया, 2022 में इतना कमजोर कर दिया कि मगर जीत गई थी भाजपा कुर्नी, मगर उसके बाद भी भाजपा को नतमस्तक करवा रहे हैं मुकेश सैनी। अब बिना कटाक्ष किए इनडायरेक्ट वे में समर्थन दे दिया है मुकेश सैनी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को। क्या मुकेश सैनी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे? क्या उनका चुप्पी ये बता रहा है? अब हम आपको सीटों का समीकरण बताएंगे। 40 सीट है भाजपा में, देखेंगे तो भाजपा 30 पे अकेले लड़ेगी, फिर चाचा भतीजे को देगी, फिर उपेंद्र कुशवाहा और मांझी जी को देगी, कितना सीट किसको दे देगी कोई पता नहीं, मतलब सैनी के हाथ में क्या बचेगा, 1 से 2। मगर आप यहां पर आइए, महागठबंधन 15 सीट तेजस्वी की पार्टी, 15 सीट नीतीश कुमार की पार्टी, 4 कांग्रेस, 2 आपको लेफ्ट, मतलब 36, 4 सीट बचता है और मुकेश सैनी की वही नजर है। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि मुकेश सैनी फाइनल अनाउंसमेंट कर दे कि हम महागठबंधन के साथ जा रहे हैं, क्योंकि मुकेश सैनी अभी वेट ऑन वॉच की स्थिति में है। ना मुकेश सैनी झुक रहे हैं, ना मुकेश सैनी लड़खड़ा रहे हैं जैसे बाकिया पार्टी कर रही है, मगर मुकेश सैनी ने एकदम जबरदस्त तरीके से डोर थामा हुआ है और मुकेश सैनी मैदान में उतरे हुए हैं। अब मुकेश सैनी क्या करेंगे वो वक्त बताएगा, मगर मुकेश सैनी ने मौन होकर ये बता दिया है कि वो भाजपा के, अभी तक भाजपा को उन्होंने आई लव यू टू नहीं कहा है। आपको क्या लगता है मुकेश सैनी किधर जाएंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।